हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। हम जानते हैं कि दुनिया में कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिन पर हम ट्रस्ट नहीं करते, और दुनिया में कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं पर हम बिलीव नहीं करते। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने उनको देखा नहीं है। तो आज हमने इस वीडियो में कुछ ऐसी ही कोशिश की है, जहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया भर से इकट्ठा की गई कुछ ऐसी डरावनी और भूतिया घटनाएं जो आपको चौंका कर रख देंगी। ये वीडियो दावा करती हैं कि इन्होंने असली भूत को कैमरे में कैप्चर किया। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। दोस्तों, अगर आप इस तरह की भूतिया वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, यह वीडियो अपलोड किया है जनार्दन एस ने यूट्यूब पर, और इस वीडियो में कुछ दोस्त हाईवे से जा रहे होते हैं और उन्हें सामने कोई इंसान की आकृति वाला खड़ा हुआ नजर आता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उसको आवाज लगाने की कोशिश भी करते हैं ताकि उन्हें वहाँ से कोई जवाब मिल सके। आइए फ्रेंड्स, हम भी देखते हैं ये वीडियो। लेकिन जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में गौर करने वाली बात यह है कि जब वो स्पीड में उस इंसान के पास जाते हैं तो वो इंसान बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ होता है और उनको कोई भी रिस्पांस नहीं देता है। नहीं तो इतनी स्पीड में अगर कोई गाड़ी आती है तो कोई भी इंसान या तो पीछे हटता है या अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करता है, पर वो इंसान कुछ भी मूवमेंट नहीं देता। वो वैसा का वैसा उसी जगह पर खड़ा हुआ रहता है। ऐसा तो शायद कोई भूत ही कर सकता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट। यह वीडियो अपलोड किया है स्कैरी वीडियोस ने यूट्यूब पर, और यह वीडियो एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज है। इस वीडियो में एक एलियन जैसी चीज़ एक घर के अंदर एंटर होती है, और उसके एंटर होते ही वहाँ पर रखी हुई चीज़ अपने आप ही मूव करती है। आइए फ्रेंड्स, हम भी देखते हैं ये वीडियो। जब वो एलियन जैसी चीज़ उस घर के अंदर एंटर होती है तो सामने रखी सीढ़ी अपने आप ही पीछे की तरफ खिसकती है, और उसके बाद वो चीज़ जब घर के बाहर आने की कोशिश करती है तो बीच में से ही गायब हो जाती है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट। इस वीडियो में एक बंदा एक जंगल में शूट कर रहा होता है, और शूट करते करते वो एक घर के पास पहुंच जाता है, और वो घर बहुत सालों से वीरान पड़ा हुआ है, और उस बंदे को उस घर के पास से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आ रही होती हैं। और जब वो आवाज की दिशा में अपना कैमरा घुमाता है तो उसे वहां पर एक भूत जैसी आकृति नजर आती है, और उस आकृति को देखने के बाद वो इंसान बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। आइए फ्रेंड, हम भी देखते हैं ये वीडियो। अब ये कोई असली भूत था या वहाँ पर कोई शराबी सो रहा था। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट। इस वीडियो में एक ग्रुप जंगल में वीडियो शूट कर रहा होता है, जहाँ पर उनके कैमरा में एक काली परछाई या कोई बिग फूट कैप्चर होता है। आइए फ्रेंड्स, हम भी देखते हैं ये वीडियो। Okay, this is where we were when we just saw 15 minutes ago. Alive. Look! Quick, stay! She's back!
इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों ने बोला कि ये कोई बिगफुट हो सकता है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट। इस बंदे का नाम है माइकल डिमागी और ये एक घोस्ट हंटर है, पर कभी भी इनके कैमरा में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कैप्चर नहीं हुई। पर एक दिन इनके कैमरा में एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कैप्चर होती है। आइए फ्रेंड्स हम भी देखते हैं ये वीडियो। इस वीडियो में माइकल एक सेब से भरा हुआ बाउल लेते हैं और उस बाउल को जमीन पर रख देते हैं और अपने कैमरे को चारों तरफ घुमा के दिखाते हैं कि इस कमरे में मेरे अलावा कोई भी नहीं है और इस बाउल में मैंने कोई भी धागा या रस्सी नहीं बांधा है। उसके बाद माइकल एक आत्मा को ऑर्डर देते हैं कि इस बाउल को पीछे की तरफ घसीटिए, तो वो आत्मा वैसा ही करती है जैसा माइकल बोलते हैं, उस बाउल को पीछे की तरफ खींचती है। इस बात में कितनी सच्चाई है वो आप मुझको कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो साथ में बेल आइकन है उसको भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। धन्यवाद फ्रेंड्स।